मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है। अतः परमेश्वर के सिवाय, ईश्वर के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, स्वीकार कर लें। लौकिक और अलौकिक जड़ चेतन सब परमात्मा ही है, सब ईश्वर ही है। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक है। अधिदेव अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक हैं, परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से राग देश के कारण यह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता रहती ही नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। परमात्मा अपने को अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित जानने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से ही ये तीनों अलौकिक है, अन्यथा लौकिक ही है। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब कुछ अलौकिक हो जाता है। इसलिए अपना उद्योगमुख होने से कर्म योग तथा ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है और भगवान का आश्रय मुख्य अलौकिक है, अलौकिक है, अलौकिक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर है ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करना चाहिए, समग्र भाव से प्रणाम करना चाहिए, समता भाव से प्रणाम करना चाहिए। समग्र परमात्मा समग्र है। मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिगढ़ और लोकों की स्थिति का बारे में बताया है। यही भगवान अति अदत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। ये जितने भी नगर हैं, पृथ्वी, द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिगढ़, ये सब परमात्मा का स्थूल स्वरूप है, स्थूल रूप है। ये जानना चाहिए। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष का के कर्म फल का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, पर दूसरा परमात्मा उपभोग न करता हुआ केवल प्रकाशित करता है। परमात्मा परम प्रकाश है। ये एक समझाने का विषय है
परमात्मा और जीव, परमात्मा और जीवात्मा दोनों आपके शरीर में विराजमान है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों आपके शरीर रूपी पिंड में ही विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष, एक ही वृक्ष का मतलब प्रत्येक जीव के शरीर में विराजमान है, शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फल को स्वाद लेकर उपभोग करता है। जीवात्मा जब भी कहा गया है वो परमात्मा का अंश है, वो जीवात्मा मनुष्य के शरीर में रहकर सभी कर्मों की जिम्मेदारी लेता हुआ कर्म करता है, किंतु परमात्मा उपभोग न करता हुआ केवल प्रकाशित ही करते हैं, परमात्मा सिर्फ प्रकाश ही करते हैं। ये समझने का विषय, परमात्मा और जीवात्मा दोनों आपके शरीर में हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। परमात्मा और जीवात्मा, जीवात्मा जब कर्मों में पड़ जाता है तो वो परमात्मा से अलग महसूस करता है, यही दुख का कारण है, यही अज्ञानता है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान आप सभी इसको धारण करें। ये ब्रह्म मुख से दिया हुआ उपदेश बार बार सुने, इसको ग्रहण करें। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर, परम प्रकाश को, परम ज्योति को, परम 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 परमेश्वर ईश्वर भगवान को, परमात्मा को, परब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। प्रेम सहित जय हो साधु साधु, नमो 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 नमो। ओ मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आपको दे रहा हूं। मैं ऋषि की संतान, ऋषि पराशर की संतान, ऋषि वशिष्ठ की संतान, ऋषि शक्ति मुनि की संतान, मैं ब्रह्म का वंश ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा का मुख आपको ये ज्ञान का उपदेश, दिव्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। कृपा इसको धारण करें, इस अक्षर परम अक्षर ज्ञान को धारण करें और अपने कर्म बंधनों को काटते हुए जीवन की यात्रा सफल करें। ओ जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, ओम जय श्री ओम जय आदि सनातन, ओम जय श्री ओम जय आदि सनातन, ओम जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान।